Assalamu alaikum, good morning. Aaj hai mera aakhri din in Istanbul before I go back to go to Pakistan. Actually, main ja rahi hu on my own to Pakistan. And I'll be meeting my mom and my sister and my nephew at the Istanbul airport. They are coming from Toronto. So, aaj main aapko leke jaungi. I am outside Abdulhamid's Turbisi. Sultan Abdulhamid Khan ki Turbisi hai mere peeche. And I will be taking you in there. We'll be zyarat karenge aur fatiha padenge. And let's go then. That's the building. यहाँ पे और भी उनके ना जो औलाद वगैरह है उनकी भी कब्रें हैं यहाँ पे. As I took you to the palace few days ago, जहाँ पे he was in exile and he passed away in 1918 on the 10th of February. यहाँ पे सुल्तान मुराद 2 की भी कब्र है और सुल्तान अब्दुल अजीज़ की और सुल्तान अब्दुल हमीद द सेकंड. चलें चलते हैं. बिस्मिल्लाह. The last prince to be born in the Ottoman Empire, he passed away and his kabar is here as well. He's called, ye hai unki kabar, Shahzade Usman Artul Afandi. Aur unki wafat hui thi 2009 mein. Aur ye unki kabar hai. Baki inke अजदाद अब भी हैं उनकी औलादें, मगर वो सारे वो हैं कि जो बाद में पैदा हुए हैं या क्या. दे वर नॉट एक्चुअली शहजादे एट दैट टाइम व्हेन द एक्साइल हैपेंड और बिफोर दैट इन द ऑटोमन एम्पायर. सो ये मेरे पीछे जो बिल्डिंग है इसके अंदर है उनकी कब्र. और चलते हैं आइए. जी हाँ, तो ये जो है वाइट चादर वाली, ये सब खवातीन है, फीमेल इन द वाइट चादर्स. एंड जो टोपी वाले हैं वो सारे हैं द मेल. और ये जो कब्र है बिल्कुल लेफ्ट पे बड़ी वाली, दैट इज़ सुल्तान अब्दुल हमीद खान. एक टाइम था ये ना यहाँ से रास्ता खुला था. वी डिड गो ऑन द साइड एंड वी डिड प्रे देयर. इफ आई कुड फाइंड अ पिक्चर ऑफ इट, जस्ट पुट इट ऑन. सुल्तान अब्दुल अजीज जो उनके भाई थे उनकी कब्र है. हमारी ज़्यारत हो गई है फिर सुल्तान अब्दुल हमीद.